savory cake. That's so weird. Namaste, welcome to my channel. Welcome to Thinking Asia channel where we talk and react things related to India. Thank you so much for passing by one more day. You know me, Gaza is to Gaza, guys. And today we have a video, 10 regional dishes from West India. So I'm very interested because, you know, I'm a big food lover and it's always good to be seeing new dishes that maybe I can try to make one day. So let's watch this together and then we talk about this, guys. Don't forget as well to follow me here on my social media. Rajasthan ka lal maso ya fir Goa ka sorak, मुंबई का तीखा वड़ा पाव या फिर गुजराती गाठिया। इंडिया के वेस्ट में कुछ ऐसे डाइवर्स स्टेट्स हैं जहां का खाना भी उतना ही डाइवर्स। व्हाइल दी स्पाइसी डिशेस लीव अ फुटप्रिंट ऑन दीज स्टेट्स, लेट्स गेट एक्वेंटेड विद सम ऑफ द कोस्टल स्पाइसी एंड टैंगी डिशेस ऑफ वेस्ट इंडिया। यस, लोकल डिशेस की बात करें तो राजस्थान तो याद आता ही है। यहाँ की तीखे मीठे ट्रेडिशनल डिशेस वर्ल्ड वाइड फेमस है। हो एंड माइंड यू, राजस्थान इज वे बियॉन्ड द सुपर पॉपुलर दाल बाटी चूरमा दैट यू ऑलरेडी नो ऑफ। आई हैव सीन दैट मेटल। यहाँ की नॉन वेजिटेरियन डिशेस में सबसे फेमस लाल मांस इसके कलर के नाम से जाना जाता है। इस डिश को बनाने के लिए मीट को तीखे टोमेटो ग्रेवी में कुक किया जाता है विद चिलीज एंड स्पाइसेस। राजस्थान की फेमस ब्रेकफास्ट आइटम है ये कचौरी। अनियन और स्पाइसेस से बनती है, चटनी या दही के साथ खाया जाता है। ये दिखने में काफी सिंपल है, केर सांगरी राजस्थान की काफी लोकल डिश है क्योंकि यहाँ के थार डेजर्ट में ग्रो होते हुए वाइल्ड बेरीज से इसे बनाया जाता है और ड्राइड बीन्स विच इज कॉल्ड सांगरी। ये टैंगी सब्जी बाजरे की रोटी और मक्खन के साथ खाई जाती है। गुजरात इज वे बियॉन्ड द पॉपुलर उंधियू एंड ढोकला। द स्टेट इज डाइवर्स एंड सो आर द लोकल डिशेस। नेम्ड आफ्टर द एक्शन दैट इज यूज्ड टू शेप द डाउ, दीज फिस्ट केक्स मेक फॉर अ ग्रेट ब्रेकफास्ट और एन इवनिंग स्नैक। मुठिया को बेसन, लौकी या फिर स्पाइसेस के साथ स्टीम करके बनाया जाता है। इन्हें चटनी के साथ गर्मा गर्म चाय के साथ बेस्ट सर्व किया जाता है। ट्रेडिशनली प्रिपेयर्ड ओवर चारकोल और इन अ प्रेशर कुकर, हांडवो इज जस्ट लाइक अ सेवरी केक। इसे लेंटिल्स और चावल के बैटर के साथ बनाया जाता है और ये गुजराती हाउसहोल्ड्स में काफी फेमस है। राय का तड़का देकर इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया जाता है। नेवर थॉट अबाउट अ सेवरी केक, दैट्स जस्ट लिलवा कचौरी। इट्स द परफेक्ट मॉनसून स्नैक। ये कचौरी ही है लेकिन इसका फिलिंग ही है जो इसे खास बनाता है। इसका ग्रीन स्टफिंग मटर, ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर और बाकी स्पाइसेस के साथ बनाया जाता है और ये भी एक अमेजिंग फिलिंग स्नैक है जो त्योहारों पर या फिर बारिश के मौसम में गुजराती हाउस होल्ड में जरूर मिलेगा। दमन के बीचेस पर जाना तो किसे नहीं पसंद, लेकिन क्या आपने दमन के खाने के बारे में सुना है? जेटी रोल्स, मान लो काठी कबाब रोल्स का दमन लोकल वर्जन है। That one I would be super. I love egg rolls. या फिर मेयोनीज के साथ बेस्ट खाया जाता है। And that looks nice. That's actually so. We have that. Meat and vegetables, Christmas के वक्त काफी पॉपुलर डिश है within the Catholic community in Daman. पोर्चुगीज ओरिजिन का ये डिश एक रिच स्टू होता है जिसे पोक मीट से बनाया जाता है अलोंग विद सम अदर वेजिटेबल्स। पॉपुलर डिश इन कोस्टल रीजंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया, प्रॉन्स कोलीवाड़ा इज अ कॉमन डिश इन द मेन्यूज ऑफ रेस्टोरेंट्स इन दमन। द रेसिपी कम्स फ्रॉम द किचन ऑफ द कोलीज ऑफ फिशरमैन फ्रॉम द सायन फिशिंग विलेज इन मुंबई एंड इज प्रिपेयर्ड बाय मैरिनेटिंग प्रॉन्स इन अ स्पाइसी मिक्स एंड देन डीप फ्राइंग देम। महाराष्ट्र के तीखे खाने के स्वाद में अलग ही मजा है। इस सिटी की रफ्तार और यहाँ का कोई भी बीट नहीं कर सकता। मिसल पाव इज अ ट्रेडिशनल इंडियन डिश ओरिजिनेटिंग फ्रॉम महाराष्ट्र और इसके दो कंपोनेंट्स, मिसल अ करी मेड फ्रॉम स्प्राउटेड बीन्स यूजुअली टॉप्ड विद स्पाइसेस और पाव आर रोल्ड टुगेदर टू मेक अ फ्लेवरफुल करी। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग।
With the bread looks nice. वड़ा पाव जैसी स्ट्रीट डिश के बारे में तो कौन नहीं जानता? आलू वड़ास are deep fried and stuffed in between buns. Like street food is really the best in a country, you know. I think always the best way to eat street food. झुनका एक बेसन से बना हुआ तीखा पेस्ट टाइप करी होता है, जिसे बाजरा या ज्वार भाकरी के साथ खाया जाता है। ये स्पाइसी कॉम्बिनेशन एक काफी पॉपुलर ब्रेकफास्ट डिश है और इसे अक्सर कई हाईवे ढाबे पे भी मिलता है। That looks so interesting. I wish I could try all of them. गोवन खाने के बारे में सोचकर मुंह में पानी आ जाता है। दरिया किनारे बैठकर सी फूड रिलिश करना किसे नहीं पसंद? Yes, I love seafood. गोवा की कुछ ट्रेडिशनली कुक्ड डिशेस है that one must definitely not miss. Okay. करी गोवा का सबसे पॉपुलर डिश है और ये इनका एवरीडे स्टेपल डिश है, जिसे राइस के साथ खाया जाता है। गोवंस को अपने फिश और राइस से बहुत प्यार है और ये डिश काफी वर्सेटाइल है। मीट, श्रिम्प्स या फिर वेजिटेबल्स के साथ भी बनाया जा सकता है। शार्क अम्बोटिक एक पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस्ड डिश है, जिसमें रेड चिली और कोकम से बने इस डिश में खट्टापन आता है। शार्क फिश मीट को डाइस कर अनियन टोमेटो और मसाले के साथ भुना जाता है, मेकिंग दिस डिश अ लोकल ऑथेंटिक डेलिकेसी। सोरो इज अ कोंकणी वर्ड विच मीन्स अल्कोहल एंड सरपोतेल इज अ फेमस डिश ऑफ गोवा। पोक या मटन लिवर को इस डिश में यूज किया जाता है और इसे स्पाइसेस और हर्ब्स के साथ कुक करके खाया जाता है। सोराक एक सिंपल वेजिटेरियन करी है, जो खासकर बारिश के वक्त बनाई जाती है। इसमें बहुत सारा मसाला और टमाटर और प्याज होते हैं एंड इट्स बेस्ट एंजॉयड विद राइस एंड ड्राइड फिश। इंडिया के वेस्टर्न स्टेट्स में अगली बार जब जाओ तो इन लोकल ऑथेंटिक डिशेस को ट्राई करना जरूर याद रखना। Looks everything so delicious. Everything, it just my mouth is watering about all the things that she was showing in there, you know, everything that was, she was just, all the dishes, the prawns curry, the things that looks like Mexican gorditas. If I remember, I will put a picture beside it. If I don't remember, then I didn't put it. But yes, that one is really, really a... That is a Mexican staple, the gorditas here, and that looks very Mexican too. But I think so the best way to always eat in any country that manages street food is street food. You know, I think so you will find the more authentic flavors, the more traditional flavors. Of course, you can eat like very good in restaurants and all that. I'm not saying that. But I think so that if you want to feel the most authentic food from ancestors, traditional and homemade kind of thing, you know, I think street food is always the answer. Or at least here in Mexico happened, in Latin America happened, you know, that street food is part of our day to day. And it's great, you know, because it feeds you fast, it's super tasty and it's cheap, you know, then you have the best. Maybe sometimes the hygienic could be the lacking of it, but I'm coming from Mexico, you know, so I know that's what it is. So I'm kind of okay with that, you know, like I don't get sick, hopefully I don't get sick, and I'm afraid that I think that my stomach will be ready enough to don't get sick in India, because I know that 90% of the foreign people, but I think especially from Europe and US, they get sick because the change of food, you know, the habit and all that. But as well, I believe that is because in Europe and US, they are like used to control all the 100% hygienics of the place, you know, like Germans and stuff like that, that is always like really, really strict, that when they visit a place like Mexico, India, they get sick because of course their stomach, they haven't built this system to protect them. And in Mexico, Latin America, or India, Asia, Southeast Asia, that kind of hygienic are not in the 100% all the time. So I think so, and we grow eating this food, you know, so our stomach get used to this kind of bacteria, so it gets strong. I think it's like a training, you know, so when we eat in street food, that's why I think so we are more manageable to tolerate the different kind of food. So that's my hope. Hopefully I won't get sick when I visit India and I try all this street food and delicious. If I get sick, I will bring enough medicine for that, but I want to try everything, you know.
I'm just open to try it. But anyway, thank you so much, guys, for watching. Hopefully you enjoyed this video as much as I did. And see you tomorrow with another video. Have an amazing day.